उल्फतों चाहतों का सिलसिला हो जाऊंगा, तेरे दर्द दिल की एक दिन मैं दवा हो जाऊंगा। मुझको चलने दो अकेला, है मेरा ये सफर, रास्ता रोका गया तो काफिला हो जाऊंगा, रास्ता रोका गया तो कारवा हो जाऊंगा। दुश्मने इस्लाम सुन ले, इस्लाम का पौधा हूं मैं, जब भी तू काटेगा मुझको मैं हरा हो जाऊंगा। अयोध्या में मस्जिद के निर्माण के लिए आखिरकार कवायद शुरू हो गई। इस प्रस्तावित मस्जिद का निर्माण अयोध्या से 25 किलोमीटर की दूरी धनीपुर में किया जाएगा। यह मस्जिद सुप्रीम कोर्ट द्वारा आवंटित जमीन पर किया जाएगा। इस मस्जिद के निर्माण के लिए सबसे पहले ईंट मुंबई से दी गई। यह ईंट गुरुवार को राज्य के अल्पसंख्यक आयोग हाजी भाई अराफत ने अपने हाथों से उत्तर प्रदेश के सुन्नी वाकफ बोर्ड के चेयरमैन जाफर अहमद फारूकी को सौंपी। इस ईंट को छूने का सुनहरा मौका हमारे एफएससी न्यूज के संवाददाता मुन्ना मुजावर को भी मिली। देश की सभी मस्जिदों के संगठन ऑल इंडिया राबता ए मस्जिद ने प्रस्तावित मस्जिद का पैगंबर के नाम पर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद रखने का फैसला किया है। बांद्रा के रंग शारदा सभागृह में गुरुवार को AIRM की ओर से अयोध्या में मस्जिद के निर्माण को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया था। यह आयोजन मुफ्ती हुजैफा ने किया था, जिसमें देश के सभी सूफी उलेमा धार्मिक विद्वान डॉक्टर आदि सभी लोग मौजूद थे। मस्जिद के निर्माण के लिए पहल करने वाले राज्य के पूर्व अल्पसंख्यक आयोग हाजी अराफत शेख ने बताया कि इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन इंडिया सलामती पीर दर्जा ट्रस्ट और सुन्नी वाकफ बोर्ड ऑफ इंडिया की अगुवाई में इस मस्जिद का निर्माण होगा। हाजी अराफत शेख ने कहा कि मस्जिद भारत की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक मस्जिद होगी, इसे ताजमहल से ज्यादा खूबसूरत बनाया जाएगा। इस मस्जिद का डिजाइन पूना के आर्किटेक्ट इमरान शेख ने किया है। मैं तो समझता हूँ ये मेरे वालिदैन की दुआ है कि आज हिंदुस्तान के इतने बड़े बड़े उलमाओं के सामने ये हाजी अराफत शेख को बोलने का मौका मिला। क्या हिंदुस्तान के इतिहास में कोई ऐसी चीज न हो, उस बुनियाद पर हम मस्जिद बनाएंगे। मस्जिद का हमारी नाम रहेगा मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। सुबह हजरत की लचक है। पहला गेट जिसका नाम दिया है मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। एक अद्भुत तरीके से वो पानी का फुहारा हम बना रहे कि ऐसा पानी का फुहारा जैसी अल्लाह अकबर आवाज आएगी वो पानी उछल के ऊपर जाएगा। मेरा नबी है। मगरिब और फजर को ध्यान में रखते हुए जैसी मगरिब होगी वैसी मस्जिद की ऑटोमेटिक सिस्टम से लाइटें शुरू हो जाएगी। जैसी फजर होगी तो ऑटोमेटिक सिस्टम से बाहर की लाइटें बंद होना शुरू होगी। आने वाली नस्लें डॉक्टर बने, वकील बने, इंजीनियर बने, इसलिए एक कॉलेज का भी हमने वहां पे इंतजाम रखा कि दुनिया का सबसे बड़ा एक फिश एक्वेरियम होगा। कि जय मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद के अंदर जो अस्पताल खुलने जा रहा है, इसके बाद कभी भी मुंबई शहर के अंदर कोई कैंसर का पेशेंट नहीं आएगा, जो जाएगा उस मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हॉस्पिटल में। और मुझे ये यकीन है कि आपकी नस्लों को इसका सवाब मिलेगा। मेरी माँ ने कहा कि आज मुझे खुशी हुई है कि इस दिन के लिए तुझे मैंने पैदा किया था। ने पुकारा क्या शान है उसकी, कि मुझे आज खुशी है कि तू दीन की राह पे जा रहा है। क्या मुझे यकीन है, मेरी माँ की दुआ मेरे साथ है। दुनिया की ताकत इस हाजी अराफत शेख को कोई रोक नहीं सकती। इस मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद की नींव रखने के लिए हमको कोई रोक नहीं सकता। इंशाअल्लाह ताला ये हाजी अराफत शेख जरूर और जरूर, जब अल्लाह तबारक तआला ने इस काम के लिए चुना तो इसको पाए तकमील तक पहुंचा के ही जरूर दम लेगा। अगर उसके पहले अगर ये हाजी अराफत दुनिया से चला गया तो कम से कम ये तो कह के जाएगा कि इसकी बुनियाद की पहली ईंट इस हाजी अराफत शेख ने रखी। पहली
शहर से ये हाजी अराफात शेख पेश करेगा। आप लोगों ने इस महफिल में पूरे हिंदुस्तान से शिरकत फरमाकर हमारा हौसला अफजाई की, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। फाइट्स अगेंस्ट क्रिमिनल, डेली न्यूज़पेपर देखते रहिए। आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।